પાંડે સાહેબ ત્રાસી આંખે જોયો, તમે જોજો બધાને. એને આજ સદંતર અમને બધાને ના પડતી, કોઈ ટી શર્ટ પહેરી ના આવશો. તોય સાહેબને ખબર નહોતી એટલે પહેરીને આવ્યા આજે, પણ એમના ધ્યાનમાં જ છે. પણ આ સાહેબ એવડું મોટું નામ છે, ક્રિએટિવિટી એમની એટલી જબરજસ્ત છે. આજે તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા અત્યારે જે સિરિયલ ચાલે છે એમાં પણ એમનો સિંહ ફાળો છે. ક્રિએટિવ કન્સલ્ટન્ટ છે. હા, પણ એ નાની સ્ક્રીનના મોહતાજ પણ નથી, એટલું મોટી સ્ક્રીનનું એમણે કામ કરેલું છે. બોલિવૂડના એટલા ફિલ્મો એમના, સ્વદેશ તમે જો, લગાનમાં તમે જોયા છે, આવી ઘણી ફિલ્મોમાં એમને તમે નિહાળી છે. અને હજી નવી ગુજરાતી ફિલ્મ પણ એમણે કરી છે ને. હા, અમારે અહીંયા બધાને ખબર જ છે. હજી બીજી ગુજરાતી ફિલ્મ એમની આવી રહી છે. પણ એક તગડો એક્ટર કોઈને જોતો હોય ને ત્યારે પહેલું નામ કોઈની દિમાગમાં આવે તો એમનું આવે છે. એટલે એમને અબ મેં થોડા હિન્દી મેં બાત કરૂંગા, જીતના આવડેગા ઉતના બોલુંગા. તો મેં આપસે યે પૂછના ચાહુંગા, યે હમારી ઓડિયન્સ કી ઓર સે કુછ ક્વેશ્ચન્સ આયે, કે સુખનો પાસવર્ડ, આપ તો સબ વૈસે ભી ફ્રેન્ડ્સ હૈ તો મિલતે રહેતે હૈ, લેકિન આપકે યે જો દો સ્ક્રીન હૈ, છોટી સ્ક્રીન ઓર બડી સ્ક્રીન, વો દોનો કે બીચ કુછ ના કુછ એસા હુઆ હોગા પાસ્ટ મેં, આપકો ભી લગા હોગા કે અબ બહોત હો ગયા, અબ મેં નહીં કર પાઉંગા, યા અબ યે મેરે બસ કી બાત નહીં, ઓર સડનલી યે હેંગ હોને વાલી આપકી લાઈફ પે કોઈ એસા પાસવર્ડ મિલા હોગા જિસસે દુગુની શક્તિ સે આપ યે ફિલ્ડ મેં ફિર સે આયે, એસા કુછ વાક્યા આપકે જીવન મેં હુઆ? સબસે પહેલે મેં યહાં રાજકોટ કે સારે દર્શકો કો મેં આભારી હું, ઓર હેમલબેન મેં આપકા આભારી હું. આજ આપકે કાર્ય કો હમને સુના, જો સમાજ કે પ્રતિ આપ અપના દાયિત્વ નિભાતી હૈ, તો મેં અપને આપ કો પાપી સમજ રહા થા, ક્યુંકિ એક્ટર તો કોઈ ભી બન સકતા હૈ, આપકો બતા દું, અગર દિલ સાફ હૈ और अच्छे मनुष्य हो तो एक्टिंग कोई भी कर सकता है. मैंने कोई किसी एक्टिंग स्कूल से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है. मेरे पिता किसान थे, मुंबई में हम यूपी वालों को भैया कहा जाता है. आज मेरा सुख का पासवर्ड यह है कि इन सभी गुजरातियों के बीच एक यूपी वालों को अपने साथ में मंच पर बिठा के रखा है. इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि एक यूपी वाले को आप गुजरातियों ने अपने साथ बिठा के रखा. आपको साथ नहीं दिल में बिठा के रखे हैं सर, ये सभी के दिल में आप बसे हुए हो. आपको कहूं इस लाइन के अंदर कोई कहे कि अब मेरे जीवन का सुख का पासवर्ड मिल चुका है तो वो झूठ कह रहा है. हमारा जो ये दुनिया है, फिल्म दुनिया या टीवी दुनिया, वो हमें हर एक घंटे के बाद इनसिक्योर रखती है. ये कड़वा सत्य है, चाहे बच्चन साहब हो, चाहे तन्मय वेखरिया हो या दयाशंकर पांडे हो. बहुत अच्छे सर, सही है. हम कभी सुख से नहीं सो पाते, और जो एक्टर सुख से सो पाता है वो अच्छा एक्टर नहीं है, मेरा मानना है. बहुत आसान लगता है लोगों को, माने लोग आके सेल्फी निकालते हैं, कई लोग सोचते हैं देखो क्या लोग लकी है यार, टेढ़े मेढ़े दिखते हैं और ये लोग इनके पास जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. हमारी जीवन की तपस्या बहुत अलग होती है. हमारे सामने 56 भोग रखा हुआ होता है, लेकिन मन कहीं और लगा हुआ होता है. उतना खाने के बाद भी एक भूख सी टीस लगी हुई होती है, ये मेरा अनुभव है. जीवन में कई बार सुख के पासवर्ड मिले, लगान मिली, स्वदेश मिली, गंगा जल मिली, तारक मेहता का उल्टा चश्मा मिला, शनिदेव मिला, अभी बहुत ही मुझे एक सुख का पासवर्ड एक गुजराती फिल्म रेवा करके मिला,
बहुत अच्छा रोल थी, अच्छी फिल्म थी। मेरा मानना है कि इसमें तृप्ति नहीं है, हेमल बेन जो कर रही है उसमें तृप्ति है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, मैंने हरिवंश राय बच्चन साहब की आत्मकथा पढ़ी थी, उसमें एक अंश था। पहले अंदर मेरे अंदर बहुत एक पैशन था कि मैं, बच्चन साहब मेरे आदर्श हैं, मैं उनको, उनके साथ एक मैंने फिल्म की थी, तो मैंने उनको कहा था कि आप मेरे जीवन के द्रोणाचार्य हैं, अभिषेक तो अर्जुन है, मैं एकलव्य हूं। मेरे अंदर बहुत इच्छा थी कि मैं बहुत सफल हो जाऊं, मुझे हर आदमी जाने, हर कोने में मैं जहां जाऊं लोग मुझे पहचाने। एक इनसिक्योरिटी सी फील होती थी कि अरे वो मुझे क्यों नहीं पहचानता। जब मैंने हरिवंश राय बच्चन साहब की आत्मकथा पढ़ी तो उसमें एक अंश था, उन्होंने कहा था कि जब हम बहुत मुख्य रूप से समाज में जाने जाते हैं तो समाज हमें पहली पादान में बिठाता है। जैसे हमारा वक्त बदलता है, वही आयोजक कहते हैं कि आप जरा पीछे बैठ जाएं कि हमारे मुख्य अतिथि आने वाले हैं। तो मैंने ये सीख लिया था कि पहले से आदत डाल दो चौथे पादान में बैठने की, तो आयोजक की हिम्मत नहीं होगी आपको और पीछे भेजने की। मैं बहुत कड़वा सत्य कहूंगा, उन्होंने एक बात लिखी थी कि जग में, इस संसार में अनजाना रह जाना भी कोई पाप नहीं है। क्या आपको लोग जाने, लोकप्रिय हो तभी आप अच्छे आदमी कहलाएंगे? क्या उस कोने में रमेश भाई जो बैठे हैं, रमेश भाई हाथ ऊपर कीजिए, आज वो पॉपुलर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं क्या वो अच्छे आदमी नहीं है? अच्छे आदमी है। वहां पर कांता बहन बैठी हैं, जरा हाथ ऊपर कीजिए आप, आपको लोग नहीं जानते राजकोट वाले तो क्या बुरी इंसान होगी? आप भी अच्छे इंसान होंगे। ये जरूरी नहीं कि मंच पे बैठने वाला और अच्छा बोलने वाला अच्छा इंसान हो। हमें अपनी आत्मा और मन को साफ रखना है। मैंने जीवन में सीखा है, जिस किसी ने आप पर एक रुपए का भी एहसान किया हो, अंदर ये भावना रखो कि उसका हम करोड़ रुपया देकर एहसान चुकाएंगे। अपने माता पिता, अपने बड़ों का आदर करना, ये सबसे बड़ा सम्मान है। मेरी मां अनपढ़ है, उसका नाम, उनकी नाम है, उनका विद्यावती नाम है। आपको बता दूं, मैं पहला आदमी था जो घर में, हमारे खानदान में ग्रेजुएट पास हुआ, तो भी कॉन्वेंट से। मेरी मां ने इंग्लिश स्कूल में बोरीवली में सेंट फ्रांसिस में एडमिशन करवाने के लिए मेरे पिताजी को जोर लगाया। हमारा भैंस का तबेला था। मेरे पिता ने मेरे मां को कहा, हमारे यूपी में कहावत है कि बाप अंधेरे में मर गया और बेटे का नाम पावर हाउस, इसे हिंदी में एडमिशन लो, ये कुछ सीख लेगा। मैं अपनी मां का आभारी हूं। मैं कॉन्वेंट स्कूल में गया, मैं बहुत फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोलता, लेकिन फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वालों को अच्छी तरह समझने लगा मैं। वाह वाह वाह, ये बात बहुत अच्छी। मैं बहुत भाग्यशाली हूं, बच्चन साहब से लेकर शाहरुख खान, आमिर खान, उनके साथ मैंने बहुत वक्त बिताया। आशुभाई पटेल, नीलेश भाई, तन्मय वकरिया, नेहा बेन और हेमल जी को आज देखकर यह भी मैंने सीखा, मैंने यही सीखा कि सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, दुनिया हमको समझे हम अनाड़ी। मैं इतना जानता हूं कि भगवान, मेरा अनुभव रहा है इतने दिनों में कि भक्ति भाव हर इंसान के अंदर पैदा हो, ये मेरे दीवान, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। समाज के हर कोने में, हर मनुष्य, हर बच्चे के अंदर एक भक्ति भाव की भावना पैदा हो जाए ना, तो सब कुछ बदल जाएगा। मैं भी क्रोधित होता हूं, मुझे भी क्रोध आता है, मुझे भी जलन होती है, मेरे अंदर भी गलत भावनाएं जागती हैं, लेकिन एक भक्ति भाव आने से
सब कुछ बदलता है। मेरी यही प्रार्थना है, यहां पर सभी लोग बैठे हैं, अगर भक्ति भाव आएगा तो अपने आप समाज के प्रति आपका दायित्व बढ़ जाएगा। यही सुख का पासवर्ड है मेरे जीवन का। थोड़ा कंफ्यूज सा है लेकिन बहुत क्लियर है। मिलन एक मिनट। पांडे जी वो अंगत मित्र है, हूँ पहला गुजराती में एमने विषय कहीं पीछे हिंदी में कहू छू। अमिताभ बच्चन ने बहुत तमने ख्याल हे अभिषेक बच्चन ना मेरेज में 100 लोगों ने ज बोलाव्या था। शत्रुघ्न सिंह नोता बोलाव्या, नरेश ने मारे बात पण थई थी कि एने मिठाई नो डब्बो पाछो मोकल्यो, तो मने इन्विटेशन नथी, तो नरेशे लखेलू एनी कॉलम। ए 100 जणा जे बोलाव्यो ने अमिताभ बच्चन, एमां एक दयाशंकर पांडे हता आखा वर्ल्ड में। आ मानस अभी मैं हिंदी में बोलूंगा, ये आदमी इतना डाउन टू अर्थ है कि हम लोग सुबह 5 बजे उठ के एयरपोर्ट अर्ली मॉर्निंग पहुंचे, इतने थके हुए बीच में मेरे गांव गए, खेत में गए, तो मुझे आज उन्होंने सुख का पासवर्ड दिया। लेकिन उनको सुख का पासवर्ड अमिताभ बच्चन से मिला है, आमिर खान से मिला है, प्रकाश झा से मिला है, शाहरुख खान से मिला है। तो मैं एक शाहरुख खान ने जो उनको सुख का पासवर्ड दिया था, एक रोंगटे खड़े हो गए थे स्वदेश के शूटिंग के दौरान। तो मैं पांडे जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहां ये लोग के साथ शेयर करें, क्योंकि लोगों को ये बात नहीं पहुंचेगी कि शूटिंग के दौरान क्या होता है। तो एक स्कूटर पांडे जी को बताया गया था, आप सबने देखा होगा कि स्वदेश में पूरी फिल्म में स्कूटर पे शाहरुख खान और पांडे जी घूमते रहते हैं। तो पांडे जी प्लीज वो इंसिडेंट जरा शेयर कीजिए कि शाहरुख खान ने कैसे आपको सुख का पासवर्ड दिया था, आपने उसको अनजाने में डैमेज किया था बाद में भी। मैं बहुत क्रमबद्ध नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैं अच्छा वक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं अगर ज्यादा बोलूं तो एक एक, एक कोने से हुटिंग कर देना, मैं उसको स्टॉप कर दूंगा। एक्चुअली शाहरुख खान की फिल्म स्वदेश थी, वो मेरे जीवन की सबसे फेवरेट फिल्म है और बहुत अच्छी फिल्म है। मैं चाहूंगा फिल्म आप लोग देखें, अगर समाज के प्रति दायित्व तो है। हेमल जी आपने देखी है, उसको आप अपना पर्सनल डीवीडी बनाइए, बहुत अच्छी फिल्म है। उस फिल्म में मैं स्कूटर पर, राजेश पेक जी जो हमारे साथ लगान में गुरन बाबा थे, मैं वो M50 या M40 थी वो मैं चला रहा था, शाहरुख मेरे पीछे बैठा था और राजेश विवेक जी पीछे बैठे थे, जो आज हमारे बीच में 2 साल पहले उनका देहांत हो गया। तो मैं ऐसा कोने में ले जाकर ऐसा ट्राई कर रहा था, वहां खेत वेत थी। शाहरुख खान को डाउट हुआ कि मुझे नहीं आता है, उन्हें मुझे बुलाया, बोला तेरे को आती है बाइक? तो मैंने कहा, मैं डर गया थोड़ा कि ना बोलूंगा तो शायद सीन न कट जाए। तो मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा था। मैंने बहुत अच्छा, बोला चलना एक घर राउंड मारते हैं। मैंने कहा बैठो। अब मैं बैठा, चल रही थी गाड़ी, शाहरुख खान मेरे पीछे बैठे थे, मुझे नहीं आता था, अंदर का पाप वो मेरे चेहरे पर दिखने लगा था। मैंने फर्स्ट का जो गियर एकदम झटके में छोड़ा और बाइक सीधे ऊपर थी और शाहरुख खान जमीन पर था। आप मानेंगे उस वक्त शाहरुख को बैक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, मेरा गला सूख गया, मेरे पैर कांपने लगे, पूरा यूनिट पूरे सब लोग खड़े हो गए वहां पर। मुझे लगा मेरे जीवन में पुनीत इस्सर के और बच्चन साहब का कूली वाली घटना ना घटे, कहीं मेरे अंतिम फिल्म ना हो। शाहरुख सचमुच बहुत अच्छे इंसान है, वो तुरंत उठे और स्माइल करके कहा कि मुझे मालूम था तेरे को नहीं आता है, लेकिन तू ही चलाएगा अभी, ये याद रखना। और मैंने नेक्स्ट शॉट आप देखेंगे फिल्म के अंदर, मैं ट्रेवल कर रहा हूं गांव के अंदर में ले जा रहा हूं। तो ये सुख का पासवर्ड था, एक कोई महान एक्टर बनता है, कोई बड़ा बनता है तो अपने अच्छे इंसानियत से बनता है, और ये मेरे लिए बहुत, वो चाह के कह भी कह सकता था आशुतोष को कि ये एक्टर मुझे नहीं चाहिए और मैं आउट भी हो जाता, लेकिन ये शाहरुख खान की महानता है, ये सुख का पासवर्ड है। क्यार ना मारी बाजू में जे बैठा छे ने मने आसु की तो पूछवानु ज छे, हूं बोलवा ज जतो तो एक मिनट सॉरी कहो जो मुझे ऐसा लगता है कि राजकोट वाले मुंबई वालों की तरह रात भर जागते नहीं है, राइट? आप लोग 12:30 बजे तक सो जाते होंगे। हम अगर इनको आज सुख का पासवर्ड ये देंगे कि हम इनको जल्द से जल्द अपने बेड पर पहुंचाएं और इनको डिनर करवाएं, डिनर आप लोग तमें लोगों जमीन आ गया जो ना तुम्हें लोगों जमीन आ गया जो साहब श्योर। मैं 5 लोगों ने जो अहिया खूणा मां मुखवास खाता था, जमीन आ गया जो।
સાચું કહું મને બહુ ભૂખ લાગી છે, હું જમ્યો નથી. તો આપણે આપણે જે આપણું પર્સનલ મેં લાંબુ થયો છે તો મેં રિક્વેસ્ટ કરી મારા જેટલા પાર્ટનર છે આ સુખને પાસવર્ડને બહુ શોર્ટ કરીને એ સુખ સારો મળશે કે નાની વાતમાં મોટી વાતને નાની રૂપમાં કહી દે એ સુખનો પાસવર્ડ છે. પાંડેજી તમે સાંભળ્યું નહીં, અવાજ ઓડિયન્સમાંથી અવાજ આવ્યો, ઓડિયન્સમાંથી અવાજ આવી કે પૂરી રાત બેઠને કોમ રેડી હે, આપને સુના નહીં. પાછી વસ્તુ એવી છે કે હું જ્યારે કોઈ મહિલાને પૂછવા જાઉં ને ત્યારે જ આવી રીતે હર્ડલ ઊભા કરે છે આ લોકો. મુંબઈથી આખી ગેંગ નક્કી કરીને આવી કે આને વાત ન કરવા દેવી. કોણે? મને. માંડ પ્રશ્ન પૂછવાનો વારો આવ્યો છે. તો હેમલબેન શું છે? હેમલબેન શું છે? હેમલબેન સે મેને કહા પૂછા, અભી ઇસકો પૂછના હે પહેલે. હેમલબેન શું છે એની વ્યાખ્યા કરો. એ મહિલા સશક્ત મહિલા હે. અને આ કમજોર મહિલા છે? નહીં, અભી ઉનકો પૂછના હે. તો આપ ઇસકે બાદ ડિસાઈડ કરો કે યે સશક્ત હે કે કમજોર. વો તો હે હી, બેઝિકલી વુમન માને સશક્ત. કમજોર કી સશક્ત? વુમન માને સશક્ત. મેં સ્વીકાર કે ચલતા હું. વો તો આપ લોકો બતાઓ, મેરે બીચ મે દો લોગ હે, તન્મય આપકે રાજકોટ કા દામાદ, યે અચ્છા ગાતા ભી હે, ઓર આજ આપ લોગ અપને દામાદ સે ગવાયેંગે. અરે એક મિનિટ ઉપર શું પણ બધા આવે ઉત્સાહ, એક મિનિટ. આજ રાજકોટ કા દામાદ. અલા મારી વાત સાંભળો. અરે એક મિનિટ, હું નથી આ ખોટે ખોટું હલાયું છે સવારે પ્લેન માં બેઠા તે દીધી. સાચે કહું છું, આ તમારા રાજકોટ ના રાજા ભૈયા છે અને આજે એ ઓ ગાના ગાધે યાર તો પ્લીઝ સાંભળો એક મિનિટ. અલા ભાઈ શાંતિ રાખને, ઉત્સાહી બે મિનિટ યાર મંડી પડ્યો જ. પણ છે ને આ ખાલી ગમત કરે છે, બાકી મારે સાસરે ઉભો છું, ખોટું નહીં બોલું, મારે ઘરે જવાબ આપવાનો જ. એટલે અત્યારે આપણે નેહાબેન પર કયું સશક્તિકરણ છે એ પેલા અલા ભાઈ શાંતિ રાખને, ગા ગા મંડી પડ્યો છે યાર. પેલા મિલનભાઈ આપણે કરેલે કા જ્યુસ પર પેલા જઈએ પછી નક્કી કરીએ બરાબર. તું આવ ને તું ગા ને ભાઈ. આ પાંડે છેલ્લે ગીત રાખેલું જ છે આપણે તન્મયનું. હા, જનગણમન નહીં, એવી લોરી ગાઈશ ને બધા અહીંયા જ સુઈ જશે, કોઈએ ઘરે સુધી જવાની જરૂર નહીં પડે.